Dear students, welcome to BNIS Home School. My name is Mohammad Hanif, Assistant English Teacher, Banusri National Ideal School. I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am also fine. Aaj ami dashom shrenir ingreji ditiyo patro class ti nibo ebong ei class e ajke ami Jela School theke duti somoshya samadhan korbo. आशा करी तुम्हारा सबा बई खाता नहीं बस पड़े आशो हमें बोझे जा जिला स्कूल दूटी देव आटे समस्या समाधान करी देखो एखे हमें आज के आलोचना करब हल आज के टपिक हलो कम्प्लीटिंग सेंटेंस ए दुईटा जिला स्कूल आलोचना करब एक हलो दिनाजपुर जिला स्कूल और एक हलो कुमिल्ला जिला स्कूल और तुम्हारे होमवर्क थको शुद्ध होमवर्क थको हलो दिनाजपुर जिला स्कूल की तुम्हारे होमवर्क थको तब अनुशीलन करब सबगल देखो ये जेटा देव आ मैन द ओल्ड मैन टोल द स्टोरी एज इफ तर एक गैप देव आहले हमें जानी कम्प्लीटिंग सेंटेंसर कि रुल्स आस ये एज इफे रुल्स एज इफ जुक्त सेंटेंसर प्रथम अंशा पास टेंस आम पर अंशा पास परफेक्ट हो और जो प्रेजेंट टेंस थकत पास टेंस होत बृद्ध लोकटी गल्प बल जान He himself had experienced it. अर्थात निजे एटा अभिज्ञता अर्जन करेछेन एमन भावे गल्पटी बोलेन अथवा he had known it तिनि एटी जानतेन अर्थात मेन विषय हलो जो तुम्हें यहाँ एज इफ जुक्त सेंटेंस आज तुम्हारे पास्ट परफेक्ट करते हो पास्ट परफेक्ट हम इटा हो जाए विनम्बर आसो विनम्बर देव से कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम अर्थात तादेर साथ एगिए आस लेस्ट जाते ना करे तहले लेस्टेर एक रूल्स आछे लेस्टेर पर सबजेक्ट प्लस शुड होबे तहले लेस्ट दे शुड fall in danger अर्थात जाते ना करे तारा विपदे पड़े ताहले एखाने स्ट्रक्चरटा बुझते पारले अर्थात तुम्हारे एखाने सबजेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्रेजेंट फॉर्म प्लस बाकी अंश दिते होबे तारपर देखो सी नम्बरटा ড্যাশ উইল সাফার ইন দা লং রান अर्थात एखे एक सेंटेंसर शेषर अंश देव आ प्रथम दिखे सेंटेंसटी पूरण करते हैं तेल लिखब हल ए मैन हू इज लेजी ए मैन हू इज लेजी उल साफर इन द लॉन्ग रन अर्थात एक जन व्यक्ति जिनी अलस ए मैन उल साफर इन द लॉन्ग रन अर्थात एखे देखो will suffer it a subject hole man and it ekta subordinate clause tole ekjon byakti koshto bhog korben obosheshe ke dini olosh who spends life in idleness orthat tumi tomar moner moto kore sundor kore sentence ti sajiye likhte parbe d number ashe had i much money jodi amar onek taka thakto shadharonoto eta had ti jodi age thake ebong subject ti pore thake eta ekta if rules if I had much money अर्थात इफजुक्त सेंटेंसर प्रथम अंशटी जो पास टेंस थे पर अंशी पास कंडिशनल लिखते हो तेल देखो ये पास कंडिशनल लिखब इफ आई हैड माच मानी जो टाका थकत आई वुड हेल्प द पो हमें गरीब देर सहाज्य करतम तर मैंने एखे देखो ख्याल करो ये पास कंडिशनल रखते हैं कारण ये हल पास टेंस आई नम्बर आसक एज इज द एविल सो इज द रेमेडी अर्थात जेमन कुकुर तेमन मुकुर सो इज द रेमेडी एक विषय हलो ये फ्रेज फ्रेजगुलो तुम्हार निजे थेके लेखा जाबे ना एगुलो मुखस्त करते हबे तारपर आसो आमरा परेर रुल्से चले जाई परेर रुल्से देखो कन्टेनमेंट इज द सामथिंग हुईज
अर्थात एटा हलो कुमिल्ला जिला स्कूल कंटेनमेंट इज समथिंग व्हिच गिव्स अस मेंटल पीस जेटा आमादे मानसिक शांति दे। तारपर देखो एखाने देवा आछे इज आ हैपी मैन, ताहले आमरा कि लिखब लिखब हलो ए मैन हु इज सैटिस्फाइड व्हाट ही हैज, अर्थात एक मानुष जिन सन्तुष्ट तर जा आछे ता निये इज ए हैपी मैन, तिनि एकजन सुखी मानुष। तारपर देखो एन ऑनेस्ट मैन डज नॉट केयर फॉर वर्ल्डलि लाइफ, अर्थात एटा एकटा अर्थबोधक एकटा सेंटेंस तुमि दिबे। तारपर आसो परेर सेंटेंसटी द मैन इज ऑनेस्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड द मैन इज ऑनेस्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एंड ही विल विन द लॉन्ग रन, अर्थात जे लोकटी तार शैशव थेके सत् एवं तिनि शेष पर्यन्त जयलाभ करबेन, अर्थात एटा एकटा कम्पाउंड सेंटेंस देखते पाच्छो एकटा कम्पाउंड सेंटेंस, अर्थात एटा अर्थ अनुयायी एकटा सेंटेंस दिते हबे। तारपरे आसे हलो ई नम्बर इफ उई ट्राइड आवार बेस्ट टू बी ऑनेस्ट इन आवार ओए अफ लाइफ, যদি আমরা চেষ্টা করতাম আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতাম সৎ হওয়ার জন্য আমাদের জীবনে, তাহলে আমরা কী করতে পারতাম, অর্থাৎ দ্বীপযুক্ত সেন্টেন্সের প্রথম অংশটা এখানে পাস্ট টেন্স আছে, যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স আছে সেই জন্য তোমাকে এটা পাস্ট কন্ডিশনালে করতে হবে। তাহলে ইফ ইউ ট্রাইড আওয়ার বেস্ট টু বি অনেস্ট ইন আওয়ার ওয়ে অফ লাইফ ইউ কুড রিমেইন from corruption আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। দেখো এখানে যে বিষয়টা আমি দিয়েছি এই এর ভিতরে শুধুমাত্র তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে হলো এস ডব্লিউ থাকবে হলো দিনাজপুর জেলা স্কুল, এটি শুধু তোমাদের হোমওয়ার্ক। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, বাসায় আরও বেশি বেশি অনুশীলন করবে এবং হোমওয়ার্ক করে স্কুলে জমা দেবে। এই হোমওয়ার্কের উপরে তোমাদের একটা নাম্বার দেওয়া হয় যে এবং যে নাম্বারটা বার্ষিকের ফলাফলের সাথে যোগ হয়। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। আজ এই পর্যন্তই, অন্য আরেক দিন অন্য আরেকটা বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা হবে, সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি, আল্লাহ হাফেজ।